क्या कर रहे हो? मैं बस लंच की तैयारी, आप अंडे की भुर्जी खानी थी ना। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ना छुट्टी ली है 2 दिन की, क्योंकि कल गुरपुरब है और आज मुझे कुछ काम करना था। एंजल के गर्म कपड़े निकालने थे, तो बस मैं लंच की फटाफट तैयारी कर रही हूँ। एंजल दिखाना लंच में हम क्या बना रहे हैं। लंच में मैं बना रही हूँ पनीर अंडे की भुर्जी, और यहाँ पे नानी माँ ने मटर वाले राइस बनाए हैं, और यहाँ दही बूंदी की तैयारी मैंने रखी है। ठीक है, और चपाती बन चुकी हैं, तो बस फटाफट ये तड़का लग जाए, अंडे की भुर्जी बन जाए, तो मैं आपको बताती हूँ फिर मैं गरम कपड़े कैसे निकाल के कैसे सेट करके रखूंगी। मैं स्पेशली हर साल एक दिन जरूर निकालती हूँ गरम कपड़े निकालने के लिए भी, और गरम कपड़े वापस संभालने के लिए भी, क्योंकि फिर नहर की गोली डाल के रखना पड़ता है, किसको धोना है, किसको धूप लगाना है, मैं सारी चीजें मैनेज करके रखती हूँ। तो ये काम एक आध घंटे में नहीं होता, एटलीस्ट इसको पूरा दिन चाहिए रहता है। तो साथ साथ में बाकी कबर्ड्स की भी अपना क्लीनिंग हो जाती है, कुछ डिस्कार्ड करने वाला सामान है वो भी हम डिस्कार्ड कर लेते हैं, कुछ सेटिंग करने वाला सामान होता है तो हम वो सेट भी कर लेते हैं। मतलब काफी लेंथी हो जाता है, फुल डे कंज्यूम होता है इस काम में। तो बस मैं भी लंच बना के हम लंच खाएंगे, फिर मैं बताती हूँ आगे हम क्या काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरा दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, दही बूंदी मेरी सोक कर रही है। इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले घर में बुना हुआ जीरा पाउडर, साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, इंजी को ना काला नमक बहुत पसंद है। और ये आज ना मैं दही बनाऊंगी तड़के वाला, ठीक है इंजन? आपको पसंद है ना तड़के वाला? उसमें दो और इंग्रेडिएंट होते हैं, और साथ में मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा वाइट नमक, ठीक है? और बस इसको हिला लेंगे। ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं, बट बच्चों को कई बार ग्रीन चिल्ली पसंद नहीं आती, और जितनी हमें बूंदी चाहिए हम उतनी डाल लेंगे। बाकी मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, नेक्स्ट यूज में वो काम आ जाएगा। तो ये हमारा फट झटपट दही बूंदी रायता तैयार हो गया। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, और ये मेरा अंडे की भुर्जी का प्याज भून रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। दही को तड़के के लिए मैं ना सबसे पहले एक मिनट इंजन थोड़ा सा, नहीं बड़ी देर लग गई आज। अरे मैं सोची थी मम्मी वो अंडे की भुर्जी बना लूं, नहीं तो फुल के यूज नहीं होंगे ना। हाँ। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा राई, इसमें दही को तड़का भी लगा रही हूँ। अच्छा, दही थोड़ा मन कर रहा है मेरा, थोड़ा सा जीरा। जीनी सारी छुट्टी ऐसे निकल गई तेरी, मेरा काम शुरू भी नहीं हुआ। हाँ, तो काम शुरू भी काम शुरू, बट जब रात तक ना अच्छी सेटिंग हो जाएगी। हाँ। शाम को थोड़ा सा हमने जाना भी है। हाँ, थोड़ा सा मार्केट में काम का, मार्केट का काम भी है। और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें हींग, मैं बड़ी झटपट कुकिंग करती हूँ, ऐसे कुछ प्लान करके नहीं करती। और साथ में मैं ये ग्रीन चिली डालूंगी, टमाटर भी डाल दिए मम्मा, दही में डाल रही हूँ। टमाटर दही में थोड़ी डालना है, नहीं। साथ में ये दही तड़के के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कड़ी पत्ता। इसको मैं थोड़े से कड़ी पत्ते को ना ला के अपना बिना गीले सूखे को ऐसे डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में डाल के मैं फ्रीजर में रखती हूँ, तो ऐसे आपके ये बहुत मंथ तक यूज हो जाता है। पत्ते को लिया, धोया, और आपने बस तड़के के लिए डाल दिया। आप चाहे उपमा बनाओ, पोहा बनाओ, तो मैं ऐसे हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ये रखती हूँ कड़ी पत्ता। आज कैसे आ गई? एक टमाटर भी डाल लेती हूँ अंडे की भुर्जी में, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। मेरी मम्मी तो कई बार मटर भी डालती हैं, अदरक भी डालती हैं अंडे की भुर्जी में, और
बस ये तड़का दिखाना है इधर दही का। तड़का बन गया। इसमें मैं थोड़ी सी रंग वाली मिर्च डालूंगी। ये डाली मैंने रंग वाली मिर्च। मैं बस बढ़िया, आप बताओ। व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग व्लॉग देखो एंजल पीछे से। तो ये हमने दही को लगा दिया तड़का मस्त बढ़िया सा। और इस तड़के वाले दही का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है नॉर्मल रायते से। तो देखो ये कितना यम्मी है, कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये अंडा भी टेस्टी लग रहा है ना। हाँ, क्योंकि मैंने तड़के को ना बहुत अच्छे से भूना है। इसमें ना जितना ज्यादा प्याज लाल होगा ना अंडे की भुर्जी इतनी टेस्टी लगेगी। और सर्दियों में वैसे भी गर्म गर्म अच्छी लगती है। चलो बर्फ डालो ना। धनिया पाउडर है हमें, जल्दी आ जाओ भूख लग रही है। चलो इधर साइड हो। चलो तेरा इलाज हो रहा था। चलो पाओ। मेरी पादे एंजल फुलके भी लिया। फुलके सब मैं ले आई हूँ। अब बस अब जल्दी खाओ ताकि फिर मेरा मन नहीं करेगा काम करने का। एंजल दोबारा लगाइयो थोड़ा सा, मैंने देखना है। अब अंडा अच्छा बना ना, लाल लाल आपको ऐसे ही पसंद है ना। भून लो ना, ये प्याज तो सही बनता है। चलो इंजल पा जल्दी, मेनू पा के दे। तो ये है मेरी यम्मी सी थाली। और आज घर में मम्मी के साथ लंच करने में, छुट्टी स्पेंड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो जब तक हम अपना लंच एंजॉय करते हैं, आपको मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। शैडो ये क्या हो रहा है? सो फ्रेंड्स, सुबह से लेके शाम हो गई और हमारे बस अभी गर्म कपड़े तो निकल गए थे, हम लोग आज फिर बेड खोल के बैठ गए हैं। मन कर रहा है कुछ डिस्कार्ड करने का, बट कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये बीच बीच में हमारे साथ काम कर रहा है। शैडो शैडो मजा आ रहा है। क्या कर रहा है? इंचो बोलियो छोलिया ना, मूछ पाले तू अंदर। चल दीदी पकड़े उसको, खींच। चलो अंदर बाहर। हाँ बाहर चलो। चल बाहर बाहर निकलो। बोलियां छोलियां पे ना स्मेल आ रही है। मामा जी को दिखा रही हूँ। चल 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 एंजल, इन्हें लेके जा एक मिनट। मम्मी मिठू बाहर आ गया। ये कैसे बाहर आ गया? ये पूरा टूट गया है। बंद करके रखो दरवाजा। वो पहली बार बाहर कितना प्यारा लग रहा है। एंजल कह रही खेलने दो, बड़े सालों के बाद निकला है। मम्मी पर कितना मजा आ रहा होगा ना इसको खुले में, आजादी में। निकला कैसे? खुद ही गया। मम्मी ध्यान से। मम्मी खुद चला गया ध्यान से। एंजल रुक जा, ज्यादा ऊपर उड़ गया ना, हाथ भी नहीं आएगा। हाँ, हाथ भी नहीं आएगा, पता चल जाएगा। मिट्टू कैसा लगा? बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया। मम्मी खुद ही चला गया। मम्मी इसको इसको जाना आता था या अपने आप ही? अपने आप गलती से चला गया। अगर उड़ के कहीं फैन पे बैठे होता है तो कोई बात नहीं, जानता डाल लेते। कुछ कॉफी चाय बना के दे दो है। आपके पास तो वैसे बहुत ही टाइम है। ये क्या नीचे से फेंका हुआ है, पीछे पिलो ये सब? माँ, इसने मेरा सॉफ्ट टॉय फोड़ दिया है। और पिलो ऊपर रखो। सारे मेरे लेके बैठता ही है। एक तो ये पूरा कर चुका है खा पी के। हाँ, हाल देखो उसका। एक का ये हाल हो गया खा पी के खत्म। देखो सारा अंदर का पोस्टमार्टम। रोज का एक सॉफ्ट टॉय दे दिया कर, खत्म हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, कल तो मैं अपना वीडियो आगे पूरा कंप्लीट कर नहीं पाई थी। ये मैंने इतना डिस्कार्ड करने वाला कपड़ा निकाला,
एंड आपको दिखाती हूँ एंजल की अलमारी कैसे सेट की है। यहाँ सारी एंजल की जैकेट्स निकाल के रख दी हैं एंड अभी सारा समर का कपड़ा अंदर नहीं रखा, अभी 15 डेज के बाद मैं इसको पैक करके रख दूँगी। और नीचे कुछ ऐसे कपड़े रखे हैं जो हमारे यूज़ करने वाले नहीं हैं, तो ऐसे मैंने एंजल की अभी अलमीरा सेट की है, किसी एक दिन आधे घंटे का काम और होगा। और ये बीच बीच में हेल्प करा रहा है। शैडो, इसके ना शूज साइड कर दो एंजल के, ये सब जैकेट वैकेट नहीं है, धो लेना बस। ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी न्यू व्लॉग की अपडेट मिलती रहे। तो आज है गुरुपुरब, हैप्पी गुरुपुरब टू ऑल ऑफ यू। बाबा जी आपके काम में बरकत दे, आपका अंग संग सहाई रहें, सोनी सोनी सेता रहें, खूब तरक्कियां करें सारे। तो ये वीडियो के बाद में आज गुरु नानक बर्थडे का डिफरेंट ब्लॉग शूट करूंगी। अभी हम लोग तैयार होके जा रहे हैं रकाबगंज गुरुद्वारे, तो उसका ब्लॉग मैं आपको कल अपडेट करूंगी। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल।